कल उत्तराखंड में दो घटनाएं घटी और जिनका जिक्र पूरे उत्तराखंड में हो रहा है, जिनकी चर्चा पूरे उत्तराखंड में हो रही है। इसमें से एक घटना सत्ताधारी पक्ष के द्वारा अंजाम दी गई और दूसरी सरकार के द्वारा अंजाम दी गई। सत्ताधारी पक्ष ने जिस प्रकार से कल मंगलोर में इस प्रदेश की शांत वातावरण को अशांत करने का काम किया, दूसरे प्रदेशों से कैंडिडेट और दूसरे प्रदेशों से उन कैंडिडेटों के समर्थक गुंडे आकर उत्तराखंड में जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तराखंड की शांत वादियों को, शांत वातावरण को अशांत किया, यहाँ की शांत राजनीति को अशांत किया, विपक्ष को डराने का काम किया, यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। एक तो इसकी चर्चा हो रही है और दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा ये हो रही है कि सरकार ने और मुख्यमंत्री ने, अन्य मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत ही दुस्साहस भरा काम किया कि दिल्ली में जाकर केदारनाथ मंदिर की स्थापना करने के लिए वहां पर शिलान्यास कार्यक्रम में वो शामिल हुए। वो उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। पहली घटना का असर यहाँ के सामाजिक वातावरण पर, यहाँ के राजनीतिक वातावरण पर उसका दुष्प्रभाव पड़ा है और दूसरी घटना का जो मुख्यमंत्री जी ने वहां पर केदारनाथ मंदिर का शिलान्यास किया, उस दूसरी घटना का असर निश्चित रूप में हमारी धार्मिक मान्यताओं पर, हमारे हमारे भविष्य की आशाओं पर, उम्मीदों पर और इस रीजन के, गढ़वाल रीजन के, केदारनाथ बद्रीनाथ यमुनोत्री गंगोत्री रीजन के और पूरे उत्तराखंड के आर्थिकी पर उसका लंबा प्रभाव पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस हैसियत से केदारनाथ से शिला ले जाकर वहां उस कार्यक्रम में रखी और उसकी पूजा की, क्योंकि केदारनाथ ही नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के कण कण, संपूर्ण उत्तराखंड का मिट्टी का जर्रा जर्रा, पत्थर का कण कण, यह उत्तराखंड की संपत्ति है, किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है। और सांकेतिक रूप से केदारनाथ की शिला को दिल्ली ले जाकर पूजा करके केदारनाथ मंदिर की स्थापना वहां करना, वो हमारे हितों के खिलाफ एक घोर कुठाराघात है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सत्ताधारी पक्ष के सबसे बड़े नेता हैं, उनके साथ इस प्रदेश में बहुमत है और निश्चित रूप में इस प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने स्वार्थ के चलते मुख्यमंत्री जी के इस कदम को बहुत अच्छा बोले, लेकिन चूंकि हम इस प्रदेश के भविष्य की उम्मीदें देख रहे हैं, हम इस प्रदेश में हमारे नौनिहालों के भविष्य को सामने देख रहे हैं कि किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए लोग उनके संभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम चूंकि वो सत्ता में है, बहुमत में है, केंद्र में उनकी ताकत है, जब जब अगर कुछ बात करो, जांचों की बात करते हैं कि आपकी जांच करा देंगे, हमने 50 बार कह दिया कि आपको जो जांचें करानी हो करा ले, लेकिन कुल मिलाकर ये इनका बाल बांका नहीं होता, क्योंकि ये बहुमत में है, डरा धमका कर लोगों को अपने कब्जे में लेते हैं, डरा धमका कर दूसरों को शांत करते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, हमारे पास ये रास्ता बचता है कि जिस केदारनाथ मंदिर का, जिस भगवान शंकर के मंदिर का, केदारनाथ मंदिर का इन्होंने दिल्ली में जाकर शिलान्यास किया, हम उसी भगवान शंकर के इस इंद्रेश्वर महादेव में, जो कि यहां पर पैठानी में स्थित है, अपने सभी साथियों के साथ हम इस बात के, माननीय मुख्यमंत्री जी की इस इच्छा के विरोध में, माननीय मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि आए इस प्रार्थना के साथ हम यहां पर मौन व्रत लेकर बैठेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे, इस प्रकार के काम न करें कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये उनका अहित करके सत्ता से जाएं। इस बात को लेकर हम यहाँ पर प्रभु के सामने एक घंटे के मौन व्रत पर बैठेंगे। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
प्लीज कर लीजिए।